वी आर बैक, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पे। और लगभग साल भर बीत चुका है और आखिरकार गेम वापस से आ गया पूरे 3 महीने। लेकिन कई लोग कह रहे थे भाई गेम प्ले डालो, कद्दूला सारी ये लो गेम प्ले डाल रहे हो, अभी डालता हूँ गेम प्ले, पहले थोड़ा थोपड़ा दिखा दो उसके बाद अभी यही पे गेम प्ले डालता हूँ। तो हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में ये होगा मेरा पहला मैच, लगभग पहला मैच, सेटिंग वेटिंग पता नहीं, साल भर से खेला नहीं मैंने और साल भर के बाद ट्रेनिंग मेरे कद्दू पे रखी, मैंने बोला आइए मैच शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं मैच को। अभी मैं विदाउट फेस कैम करूंगा और गाइस मैंने कुछ खतरनाक वीडियोस का सोच रखा है, वो कंटेंट काफी बढ़िया होने वाला है, नॉर्मल गेम प्ले से हटके होने वाला, बेहतरीन होने वाला, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो बनने में टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन अब मजा आएगा होगा। तब ये पहला गेम प्ले फेस कैम, मेरे को नहीं पता कैसे वॉइस ओवर होगी फेस कैम के साथ, तो थोपड़ा कैम मेरे को हटाना पड़ेगा अभी के लिए, लेकिन आशा देखते हैं क्या हुआ पहले गेम प्ले पे। और इसी के साथ एक साल बाद यहाँ पे अपना पहला मैच चालू होता है, मजाक सेट कैसा अजीब सा लग रहा था क्या बताऊं। और शुरुआत में ही शुरुआत करने के लिए 4-5 लोग आ चुके हैं, क्या लेके आए मेरे लिए गालियां, ये लो गालियां सुनो, जो भी है ना ये लो, चालू है तो कुछ बदला थोड़ी है, अरे सब कुछ वही है, आते ही मम्मी की गाली, पापा की गाली, चाचा चाची सबकी गाली मेरे को पड़ गई, गाली खा के उस मैच में मैं पिट गया था, बेकार था वो, तो दूसरा मैच में आया मैं यहाँ पे, आते ही एक है मिलती है और ये क्या इसको दिया, पिस्तौल चलाया, ले चला पिस्तौल, पापा के सामने पिस्तौल चलाएगा। तो यहाँ पे एक दो बंदों को पेल लिया मैंने, नोबिता नाम था इसका, ये नोबिता डोरेमोन कभी खत्म नहीं होंगे, यहाँ अगल बगल पे लड़ाई चल रही है देखो, और एक कुछ चीज हुई ना हो, एक चीज जरूर हो गई, ये मेरे को फुट स्टेप मेरा कद्दू भी समझ रहा है, मेरे को मेरा कद्दू का पता नहीं चलता कौन कहाँ पे चल रहा है, कोई आवाज नहीं है, बिल्कुल अटपट, मैं आधा गेम आधा क्या पूरा गेम ही ऐसे मजाक में चल रहा कि अच्छा यहाँ से आवाज आ रही है, तुकबाजी चल रही है यहाँ पे कि कहाँ पे जाऊंगा तो बंदा निकलेगा, बस ये ना एक ऐसे मतलब ये एक सरप्राइज बदल फादर है यहाँ पे कि क्या पता लेफ्ट से बंदा आ जाए, क्या पता राइट से आ जाए, लेकिन फिलहाल पे एक बंदा राइट पे बैठा है, मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ जा बेटा अंदर जा, और फिर मैं पीछे से आऊंगा गोली गोली लेके अंदर आऊंगा, गोली देख के जाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है, अरे पेलेंगे तुमको क्या लगा, नहीं पेलूंगा, पेलूंगा चिकन डिनर भी करके जाऊंगा, देखते हो तो खैर आगे पता चलेगा, लेकिन देखो ऊंची ऊंची पड़ी है, नीचे बंदे हैं ऊपर बंदे, मेरा कद्दू का मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो भैया फकीर आदमी, मैं तुक्कों पे काम चलाता हूँ, मैं तुक्कों पे काम चलाता हूँ, मालिक जो कहीं दिख जाए वहां पे पेल दो, फिलहाल के लिए यहाँ पे तुक्के लगा के मेरे को कन्फर्म हो चुका था कि राइट साइड पे बंदे, बस कौन से फ्लोर पे वो नहीं पता चलता, राइट पे बंदे और ये लड़ने लगते, मैंने बोला जाना पड़ेगा लड़ाई के लिए, ये एक को दिया फटका, डीपीएस चला रहा है एक नल्ला, कहाँ है ये दूसरा गया, लेकिन एक और यहाँ पे, ये ऐसी तैसी इसकी, 3 बंदे यहाँ घेरा बना के बैठे थे, मेरे टीममेट की बहुत बढ़िया तरीके से पेटी बनाई गई है, मैं बचा ना पाया, अफसोस, एक तो मैं खेल भी ऐसा रहा था कसम से, मजाक सेट के एक तो बंदे कहाँ बैठे उस पे तुक्का, उसके बाद गोलियों पे तुक्का लगा रहा है तुम्हारा भाई कि भैया गोली लगेगी कि नहीं, ये बॉट पे तो बॉट पे बराबर गोली लग गई, लेकिन बंदों पे तुक्का लगाना पड़ता है। खैर यहाँ पे देखो थोड़ा पंगा हो चुका है, यहाँ से मैं लूट रहा हूँ, तो लूट तो चाहिए फुल, मेरे को लगा था यार वो डायनासोर वाला मोड आएगा, मजे करूंगा, अरे मेरे कद्दू का डायनासोर, सालों ने नल्ला मैप यही क्लासिक दे दिया है, अब क्या ही होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है कुछ तो मिला अपने को, पर होपफुली जल्दी से आएगा अपडेट, होपफुली, होप मेरा फुल है, होपफुली हूँ मैं कि जल्दी से अपडेट आएगा, नहीं तो पंगा है। और ये लो बहुत ही गलत सस्ता सप्रे, अभी तो सही में सस्ता हो रखा है, लेकिन तुम्हारा भाई पकड़ जरूर लेता है बंदों को, ये देखो एक आगे था नबूरा, लेकिन वो भाग गया, नल्ला कहेगा वो छुप के अंदर कैंपिंग करेगा या फिर नहीं करेगा पता नहीं, पहले मैं यहाँ से लूट देता हूँ, देखे क्या है, एक है वगैरह पड़ी है, एक हनी बेजर गन आई है, उसका मैंने नया नाम निकाल दिया, वो मैं आगे आपको बताऊंगा नाम क्या है, काफी बढ़िया नामकरण हुआ है उस गन का, काफी बढ़िया नाम है, रुको जरा, ये रहा है तेरी ऐसी की तैसी, ये कब भाग रहा है, ये कुछ बंदे ना मेरे ख्याल से नए हैं, ये जो नया नया जोश है इनका कि स्पोर्ट्स प्लेयर बनेंगे हम, साले क्लासिक में तो पिट रहा है, लेकिन अब नया नया जोश है बंदों का, खेल रहा होगा बेचारे को, इट्स ओके क्या मतलब ये घटिया सप्रे भाई, तू खेलना छोड़ दे, ये कौन कर रहा है कमेंट, ये किसने कमेंट किया कि सस्ता सप्रे, गेम खेलना छोड़ दे भाई, एक साल के बाद अब तू संन्यास पे रहे, ये किसने किया कमेंट,
ऐसे के तैसे तुम्हारी लेकिन अब आ चुका हूँ लूट उठाने के लिए। एक जो हनी बैजर गन है वो आगे थोड़ा मिलेगी मेरे को, फिलहाल के लिए मैं लूट दबाता हूँ क्योंकि मेरे को जरूरत है लूट दबाने की, जरूरत है लूट दबा के। देखो मैं यहाँ पहुंचा, जैसी भाई इस बंदे की फट गई है, डैडी से भाग के, डैडी से बच के भाग रहा था लेकिन दबोचे। यार देखो टाइम ही लगता है यार दबोचा देने में, मैं दबोचा दे देता हूँ, टाइम नहीं लगता दबोचा देने में। यहाँ पे पता नहीं कोई एक आध बंदे पिट रखे थे, मैं देख रहा था कौन कहाँ पे पिटा है, टाइम पास कर रहा होता हूँ। और उतने में हील में बंदे आ गए, मेरा टीममेट मेरे को बता था कि हील में बंदे आ चुके, मैं बोलूं कौन सी हील भाई, अच्छा हील पे बंदे आ गए, रुक जाओ जरा आप लोग, बंदे जा दूध पी के आ जा, हिल से हमला करेगा यार, दूध पी के आ। ये बंदे पहाड़ चढ़ जाएंगे कुछ हो ना हो, इनको पहाड़ चढ़ना है, जा अब जा हील पे, ऐसी की तैसी इसकी। खैर टेंशन की बात नहीं है, संभाल रखा है तुम्हारे भाई ने, अरे टेंशन ना लिया करो, मैंने संभाल रखा है, पूरा मैच संभालूंगा, चिकन डिनर निकाल के दूंगा मैं, होपफुली। खैर यहाँ पे देखो मैं टाइम पास करता हूँ, देखता हूँ बंदे कहाँ पे क्या सीन कर रहे हैं, क्या बंदे बैठे कहाँ है पहले ये बताओ। वही है देखो 14 किल 26 बंदे लगा रहे, ऐसे कैसे 30 किल गेम प्ले कैसे बनेगा, ऐसे पता नहीं गाइस कैसे ही बनेगा 30 किल गेम प्ले। अभी तो रिकॉल का सिस्टम भी नहीं है, तो ये बंदे एक बार पिटते ही सीधा लॉबी चले जाएंगे, ये लोग सीधा लॉबी जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है मेरे लिए। नहीं तो पहले एक बंदे को दो बार फटका देता था, और ये देखो कोई मेरे पे गोली चलाने की साजिश रचता है, मेरे पे साजिश रची गई है गाइस, ऐसी की तैसी की। मैं जाता हूँ पीछे पे, मैं बोलता हूँ हट जाओ, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, हट जाओ, मेरे को पहले संभाल लो, पहले मेरे को संभाल लो क्योंकि मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मैं पिट चुका हूँ, पता नहीं कहाँ से मारा हैकर, बोल दूँ क्या, नहीं अभी अभी टाइम नहीं है गाइस, थोड़े टाइम बाद हैकर बताना चालू करूंगा मैं, ताकि पिटने के बाद मेरी बेइज्जती ना हो, थोड़े टाइम बाद मैं हैकर बताना चालू करूंगा, फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं हील वगैरह पहनता हूँ। अब देखो बंदे आ गए पीछे से, मेरा टीममेट चला गया छेद के अंदर, मैंने बोला ये कायर पना बिल्कुल शोभा नहीं देता, अपनी टीम पे शोभा नहीं देता, ये कायर पना छेद पे घुस गए, ये क्या बात है, ये कोई बात हुई, छेद पे घुस गए, डर लगा तो छेद के अंदर डाल दिया अपने कैरेक्टर को, ये कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बंदा नीचे से आ रहा था, मैंने बोला भाई तू ऊपर आ, मैं बताऊंगा, नीचे नहीं आ सकता मैं क्योंकि अभी क्योंकि कंट्रोल की पिटी पड़ी है, एक साल बाद खेल रहा हूँ, मालिक नीचे नहीं आ सकता, नीचे आके मेरी पिटाई लग सकती है, तो मैं नीचे अभी नहीं आ सकता, तो आप फिलहाल के लिए ये उठाता हूँ मैं। और यस मैं दूसरा माइक यूज कर रहा हूँ, क्या तुम्हें पता चल गया, दूसरा माइक, क्योंकि मेरा जो पिछला माइक था जिससे मैं करता था वो टूट गया, 4 साल इस्तेमाल किया मैंने उसको और वो टूट गया था बीच में, तो यस देखते हैं क्या सीन होगा। लेकिन यहाँ पे मैं जाता हूँ लूट, बाजी करने के लिए लूट चाहिए जोर के, और अपने पे M4 फूल भी तो है, ये तो मैं कैसे भूल गया, बनाई भी मैंने किसी से, किसी की फूल की बेटी, और ये गाड़ी आ रहे अरसा हो गया था यार, लेकिन वापिस आके ऐसा लग रहा है कभी गया ही नहीं मैं, मजाक से हटके एक साल बाद खेल रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कभी गए ही नहीं, अब सेम वही पंगे, सेम वही आते ही गाली पड़ गई, सेम वही आगे जाके और दिक्कतें भी बढ़ेंगी। एक बंदा ड्रॉप लेने आ रहा है, मैंने बोला बेटा छोड़ दो, वो हमारा ड्रॉप है, छोड़ दो उसे, ये देखो बाहर उस तम भाग गया और मैंने टीममेट की गाड़ी यहाँ पे ठुकी, इसकी ऐसी डंडी, रुक जाओ मेरे को भागना पड़ेगा, मेरी फट गई थी अभी। अरे लो पिक बाजी, तुम्हारे भाई की फुल है 5 फिंगर क्लॉ, 5 फिंगर, तुमको क्या लगा। अरे ये रुको जरा एक सेकंड, ये अब ठीक है, ये कहाँ रफ्तारी कर रहा था, तुमको क्या लगा मैं भूल चुका हूँ 5 फिंगर क्लॉ, बेटा उंगलियां हिलाना नहीं भूलता हूँ मैं, शेर घास चुगना भूल जाए, नहीं एक शेर को हटाओ, यहाँ पे मैं इनकी पेटी डालता हूँ, ये देखो फूल बढ़िया है ये गन, दूसरों के पैसों से गन मैक्स तो कर दी थी मैंने। खैर वो हटाओ, ज्यादा एक्सपोज नहीं करूंगा अपने आप को फिलहाल के लिए। ये देखो ये है इस पीढ़ी के ई स्पोर्ट्स प्लेयर, समझ रहे हो, ये इस पीढ़ी के ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, ये नल्ले बीच रस्ते पे चलते हैं, एक तो मेरी रैंक भी डाउन है, और हाँ यहाँ पे हमेशा की तरह फूल ने मेरे को कंफ्यूज कर दिया, मेरे को लगा वो M4 फूल एक बंदा है और मैं गोली चलाता हूँ उधर, हटाओ उसको। यहाँ पे कोई अपार्टमेंट से मेरे पे हमला करता है, मैंने बोला भेज रहा डैडी पे हमला करेगा, तो मैं भाग गया ऐसे, यस मैं भाग गया क्योंकि देखो यार पास जाके लड़ेंगे, ये क्या है दूर से गोली चलाना, ये सब मैं नहीं करता गाइस, मैं जाऊँ बिल्कुल ओके अंदर नहीं जाऊँगा, फट गई मेरी गाड़ी, फट गई टायर, फट गया, थोड़ा दूर रुकेंगे, नहीं नहीं धुआं आ गया है ज्यादा जोश में, बेहोशी नहीं खोलना अभी, अभी थोड़ा अंदर रुकेंगे। क्या यार यहाँ पे अपने आप को और अपने टीममेट को अंदर भग के मैं भगता हूँ छत के लिए, अंदर भर लिया अपने आपको यहाँ पे, उसके बाद देखो वो शक्ल नहीं दिखाता क्योंकि उसे पता है
उसको मालूम है वो शक्ल दिखाएगा, मैंने पेटी डालनी है और ये देखो ये वही बंदा है जो जिसको मैं बता रहा था अभी इस पीढ़ी का ई स्पोर्ट्स प्लेयर, इसको मैं फटका देता हूँ और सीधा जाता हूँ अंदर पे क्योंकि इसका टीममेट यहाँ बैठा पड़ा है। क्या टीममेट कहीं पे बैठा हो, मैं इसकी पेटी डालता हूँ, फूल बना दिया। और पोसाइडन, पोसाइडन के बारे में शो ऑफ करना भूल गया क्या मैं? पोसाइडन है तुम्हारे भाई पे, यस अभी इसकी फट गई होगी। अब इसने इसकी इतनी फट गई है, एक कोने पे बैठ चुका है, इसको पता है, इसको पता है ये शक्ल दिखाएगा क्या होगा, इसको पता है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा डरा तो, देखो खौफ होना चाहिए यार, ये पोसाइडन आ रहा, खौफ होना चाहिए। क्या मतलब मेरी ज्यादा फटी पड़ी है उस बंदे से, ऐसा मत बोलो यार, क्या हो गया तो एक साल बाद खेलना और पिटाई बराबर लगेगी। ये ली मैंने आग और आग इसके पीछे ऐसा आग दूंगा, ऐसा आग दूंगा ये कल तक। ओके ठीक है भाई, ठीक है, मतलब ये मिसप्लेस हुआ, ये पाउडर की कमी थी मेरी स्क्रीन पे और ये पाउडर की कमी की वजह से ये थोड़ा ना हिल गया, ये दिक्कत हुई है, ये दिक्कत हुई है यहाँ पे। मॉली मेरी यार, मॉली गॉड, क्या मतलब मैं नहीं हूँ वो, हटाओ। यहाँ पे एक बंदा दिखता है, इसके फटकाने देता हूँ मैं और ये फटकाने देके ये छुप गया, अभी डर गया थोड़ा सा, सहम गया। देखो बंदे ना, बंदों के अंदर खौफ होना चाहिए, जैसे ये मैं गया ना ऊपर करने, ये मैं खौफ दिलाने गया उसे कि बेटा सो जाओ नहीं तो डैडी आके पिटाई कर जाएंगे, ये खौफ है, खौफ होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं नेट खींचता हूँ, मेरे को दो नेट की आवाज आती है, पता नहीं क्या सीन है, स्मोक खींचा था मैंने, दो स्मोक की आवाज आई, मेरे को लगा किसी और ने भी खोल दिया, लेकिन क्या पता ऐसी आवाज हो गई या मेरे टीममेट से रिपीट हुई हो, क्योंकि किसी और ने कुछ ना खोला। मैं चल दिया रस करने, अफसोस, अफसोस बहुत हुआ, मैंने पूरी जान लगाई अपने भाई को बचाने के लिए, मेरा भाई है। ये जो आजकल मीम चल रहा है इंस्टा पे वो गा रहा था मैं, यस क्या क्या बुरा लगा क्या, वो हटाओ, मेरे भाई को मैं बचा नहीं पाया और अब मैं हो चुका हूँ अकेला। अपने एक भाई पहले पीट गए थे, दूसरे भाई की भी पेटी डल गई, दोनों के दोनों अपार्टमेंट पे खिले नल्ले। और ये देखो ए मेरा कद्दू भर का हो रखा है भाई, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी गाइस, नहीं तो लग जाएंगे, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बुरी हालत है एक साल बाद। ये देखो नीचे आ अभी तक यार, एक जमाना था वो नीचे आने से पहले भी उसे पेल लेता, जब तक वो दिमाग में सोचता ना कि यार नीचे कूदूं मैं उसकी पेटी डाल देता। ये एक जमाना हुआ करता था, वो जमाना वापस आएगा, यस वापस आएगा वो जमाना, ठीक है मेरे को नहीं पता। ये देखो यहाँ पे इतना डैमेज दिया भाई, नॉक ही नहीं हुआ। अब ये क्या बात है, नॉक कैसे नहीं हुआ ये बताओ, क्या हुआ था यहाँ पे? मैं बैंडेज पहनता हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ, 1v4 हो चुका है, 20 किल तो कर दिए, देखो कुछ हो ना हो 20 किल हो गए तुम्हारे भाई की, इज्जत होनी चाहिए, फुल फुल इज्जत मांगता है मेरे को। क्या मतलब चिकन कर फिर जाता, रुक जाओ तो अभी और किल निकालेगा मैं तो। आ यहाँ पे देखता हूँ मैं क्या सीन चल रहा है। अच्छा ये बैठा है यहाँ पे नल्ले, ये लेको नहीं बच गया यार, ये बच कैसे रहा है? खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं क्या बोलने वाला था मैं बिल्कुल भूल गया, वो बंदा नॉक नहीं हुआ, इट्स ओके। देखो मैं विश्वास करता हूँ दो मौकों पे, दो मौके मिलने चाहिए, क्या मतलब BGMI को ये तीसरा मौका मिले आदम शायद, अभी उस चीज की बात नहीं करेंगे अपन अभी फिलहाल। देखो मैं झटबाजी से एकदम उठक बैठक करता हूँ क्योंकि देखो फुर्ती होनी चाहिए, और फुर्ती से गोली चला के वापस आ गया, देख रहे हो क्या मतलब फुर्ती के साथ एम भी चाहिए। ए तुम शांत हो जाओ कमेंट पे, ये लाइक फुर्ती के साथ एम, ये लाइक एम दे दिया मैंने उसके बिल्कुल सर पे दिया एम, तो उसको मैंने नॉक कर दिया। वहीं पे उसका एक और टीममेट है मिनी वाला, उसकी बहस की डंडी, उसकी वजह से मेरे को इतनी तकलीफें और परेशानियां हुई है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, लेकिन कोई बात नहीं। ओके यहां पे देखो उसकी मेरे को फुल किल मिल जाती है, अब सीन हो गया है गड़बड़, गड़बड़ी हो गई, मेरे ही घर के नीचे तुम्हारे भाई के घर के नीचे कोई आ गया। मैंने बोला भैया ये तो भैया दिक्कत हो गई, घर के नीचे कोई आ गया, अब इसको देखना पड़ेगा। अब बंदे बाकी है तीन, देखो फुट स्टेप मेरे को नीचे से आ रहे होते हैं। देखो मैं क्या हूँ, क्या मैं कायर हूँ, मेरे को ये बताओ पहले, क्या मतलब कायर हूँ मैं, पीछे से गोली चला यार, ऐसा मत बोला करो। मैं नीचे कूद गया लड़ने के लिए बिल्कुल चौड़बाजी में, मैंने बोला कायरगिरी नहीं करूंगा, अब कायरगिरी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं हील कर रहा हूँ घर के अंदर बैठ के। नहीं नहीं फटी नहीं पड़ी, हील कर रहा हूँ भाई, हील आदमी हील ना करे, मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए, मेरे से अभी लड़ लो कोई बात नहीं। अब फर्स्ट एड मार रहा हूँ, देखो ये भाग के गया यार, क्या मतलब वो नंगा है, नंगा इसे क्योंकि डाउनलोड नहीं हुई है चीज़ है, और उस नंगे के पीछे पंगा देता हूँ मैं, ऐसा पंगा देता हूँ वहीं पे लेट गया वो, और ये हो चुके हैं 33 किल, ताली हो जाए मेरे लिए। मैं अपने आप के लिए पहले ताली बजाना चाहूंगा, मैं अपने आप को बधाई देना चाहूंगा कि एक साल बाद भी इतना बेहतरीन 5 फिंगर क्लॉ में खेल रहा हूँ, मतलब यार कुछ बात तो है यार। ठीक है बकवास कर रहा हूँ, ऐसी तैसी लगी पड़ी है गेम प्ले की, लेकिन करेंगे कुछ, अरे टेंशन ना लिया करो, पेटी तुम्हारा भाई बनाएगा, इट्स ओके। अब एक बंदा बाकी है, अब हो चुका है, मैं आ चुका हूँ महायुद्ध में,
मैं महायुद्ध में फंस चुका हूं अभी। एक बंदा एक बाप, ठीक है, एक बेटा एक बाप। अब देखते हैं कौन किसकी पेटी डालेगा। यहाँ पे पता करूंगा मैं तो। यहाँ पे मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ ये कायर बंदा कहाँ पर है। गाड़ी फटी फटी है, मैं सांप बन सकता था, लेकिन ऐसे बिग डैडी क्या है सांप बनना। और यहाँ पे एक गोली चलाता है साले बेशरम, कहाँ से चला रहा है। अब देखो यहाँ हो गई गड़बड़, ये हो गई गड़बड़। बंदा ठिला नहीं है, 4x की ऐसी तैसी कसम से। ये पनौती सको मेरी जिंदगी में हमेशा से पनौती की तरह ही है। यहाँ पे ये सगो हमेशा पनौती। अब देखो मेरे पे थी एक मौली, एक नेट, दूसरा नेट मेरे हाथ से फिसल गया और ऐसी तैसी हो गई उस नेट की, पता नहीं कहाँ जाके फटा हो। ठीक है, अब मेरे पे तो हो गए मालिक नेट खत्म। ठीक है, क्योंकि मैं तो यार बंदूक से पहलने पे विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मैं नेट से क्या है नेट। अब देखो सीन होते हैं गड़बड़। अब भैया चालू करते हैं नेट करना। तो बंदे ने एक नेट किया, मैंने बोला चल ठीक है छोटू एक नेट किया तूने, कोई बात नहीं, सो के माफ किया तेरे को, जा जा जी ले जिंदगी, माफ किया तेरे को। लेकिन उतरे में ही हमारे बड़े भाई दूसरा नेट करने की सोचते हैं। ये देखो फेंक दिया है शायद से नेट, उसने कभी भी फटता ही होगा, नहीं फेंका क्या पता नहीं, नहीं फेंका शायद से। नेट गिनो तुम, मैं नेट गिन रहा हूँ यहाँ बैठ के। देखो नेट गिनेगा आदमी बैठ के, ये फटा दूसरा नेट। ठीक है, अब देखो मेरे को बोला, मैंने सोचा यार ठीक है चलो दो नेट हो गए, हो गया होगा काम, ठीक है अब गुड बाय, इट्स टाइम टू स्लीप, इट्स टाइम टू गो टू लॉबी, यस अब मैं पेल देता। तो इसने तीसरा नेट फाड़ दिया, मैंने बोला अब इसके पप्पा पे भी नहीं होगा, चौथा नेट इसके पप्पा पे भी नहीं होगा। और यही जो मैं अजम्पशन ले रहा था, ये थोड़ी ना मिसकैलकुलेट हो जाती है। अभी देखो मैं पैन फेंक के उसको डराता हूँ, क्योंकि देखो खौफ होना चाहिए तुम्हारे भाई का। अब देखो मैंने दिया सर पे फटका, मैंने बोला आइए शुरू करते हैं रश को। लेकिन फिर मेरे पता नहीं क्या होता है मेरे दिमाग में, मैं यहाँ रुक जाता हूँ बेवकूफों की तरह। ये हो गई सबसे बड़ी गड़बड़। लेकिन देखो मैंने बोला यार उसको भी दूसरा मौका मिलना चाहिए, मैं अपने लिए रुका यहाँ पे, नो 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 नो, मैं उस भाई के लिए रुका यहाँ पे कि यार उस बंदे को एक और मौका, मेरे कद्दू का मौका। तो देखो यार इससे सीख हमें मिलती है कि यार मौके की बहस की डंडी, जब तुम्हें मौका मिले पेल दो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, मौके की ऐसी तैसी हो मौके की। ये हो गई गड़बड़ यहाँ पे, ये मैं गड़बड़ कर गया सर, ये एक गड़बड़ हुई है यहाँ पे, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, पहले ही पेल देना चाहिए था। लेकिन आज किस वीडियो में गाइस 23 किल, इट वाज गुड, यस चिकन डिनर करेंगे यार। पहला मैच है यार, ये कौन बोल रहा है भाई छठा मैच है, पहला मैच है, पहले मैच पे 23 किल नॉन चिकन, इट्स ओके। पहला मैच देखो खुशी में मैंने ना सामने वाले को ले लिया, ये तुम्हारे भाई का बड़ा दिल है, सामने वाले को मैंने जानबूझ के ले, ठीक है मर गया ऐसी तैसी इसके। लेकिन आप मजा आया खेल के। खैर गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मेरे को पता है चिकन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता रहता यार, दूसरों को दोगे तब तुम्हें मिलेगा, समझ रहे हो। मैं दूसरों के पीछे चिकन ऐसे लेके देता हूँ कि यार आप ले लो चिकन, मैं मार सकता था उसे, वो मैं जानबूझ के नहीं मारा, इट्स ओके, तारीफ करने की जरूरत नहीं है कमेंट में, इट्स ओके। लेकिन एक साल बाद इट इज गुड टू बी बैक, इट फील्स गुड, यस। लेकिन और जो मैं दूसरा कंटेंट बना रहा हूँ उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक मैं रेगुलर गेम प्ले आई विल ट्राई माई बेस्ट रेगुलर गेम प्ले की, और टेंशन मतलब पीसी के गेम्स आते रहेंगे, पीसी के गेम्स को मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं करेंगे अपन। टाइमिंग क्या होगी वीडियोस की वो बस देख रहा हूँ मैं, कल देखते हैं क्या टाइमिंग होगी बाकी वीडियोस की, क्योंकि पीसी के गेम प्लेस की वही रहेगी, बाकी गेम आते रहेंगे, आर्क रेंज उसकी टेंशन लेने का नहीं है बिल्कुल। तो हाँ, और दूसरे टाइप का कंटेंट जो होगा वो काफी अच्छा होगा, लेकिन उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम लगेगा, उस पर इंतजार करो, इट विल बी गुड। लेकिन कल मिलते हैं, बाय बाय।